हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आज हमारे पास आया है सैमसंग का ये गैलेक्सी A10 जिसमें कि FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज मैं बताऊंगा अगर सैमसंग का आपके पास भी ऐसा डिवाइस आता है FRP लॉक को कैसे बाईपास करना है, वेरी सिंपल वे बताऊँगा गाइस। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए विदाउट स्किप, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बाकी आप मैं देख सकते हैं मैं नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया हूँ मैंने। देख सकते हैं गाइस, जैसा कि देख सकते हैं इस डिवाइस में FRP लॉक लगा हुआ है गाइस। तो मैं आज बताऊंगा अगर आपके डिवाइस में भी FRP लॉक लग चुका है तो कैसे इसको अनलॉक करना है। तो गाइस इसमें मैंने ट्राई किया था जो कीबोर्ड से बाईपास वाला यूट्यूब ओपन करके बाईपास जो होता है वो वाला मेथड काम नहीं कर रहा है, जैसा कि आपको दिखा देगा वो दूंगा मैं अभी, देख सकते गाइस कीबोर्ड वाला ऑप्शन जो है इसमें काम नहीं कर रहा गाइस, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इस मेथड से हम बाईपास नहीं कर सकते इसको गाइस। और साथ ही साथ मैंने इसमें टॉप बैक वाला भी ऑप्शन ट्राई किया था गाइस, देख सकते हैं ये भी टॉप बैक वाला ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं गाइस टॉप बैक भी ऑन नहीं हो रहा है गाइस इसमें। तो ये अपडेटेड वर्जन है सो इसका सिक्योरिटी पेज अपडेटेड वर्जन है सो इसीलिए इसमें काम नहीं करेगा गाइस, देख सकते हैं डबल टैप करके रख रहा हूँ मैं, फिर भी टॉप बैक ओपन नहीं होगा गाइस इसमें, मैंने ट्राई किया हूँ बहुत बार। देख सकते हैं स्टॉक बैक जो है ओपन नहीं हो रहा है, वॉइस असिस्टेंट ओपन हो जा रहा है बार बार। सो ये वाला मेथड इसमें काम नहीं करेगा बिल्कुल भी जगह। तो इसके इसको वापस करने के लिए आपको चाहिए होगा PC। पहले तो आपको डिवाइस को जो है कनेक्ट कर लेना है PC से और मेक श्योर दैट आपने सैमसंग का जो ड्राइवर है प्रॉपर इंस्टॉल कर रखा है तभी जो है मोबाइल PC से सही से कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। और जैसा कि देख सकते हैं पहले आपको जाना है विंडोज डिफेंडर ऑफ करना है गाइस, नहीं तो ये टूल काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना विंडोज डिफेंडर ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद दिखा रहा हूँ आपको गाइस। जैसा कि देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड में आ गया हूँ, इसको रियल टाइम जो प्रोटेक्शन है ऑफ कर लेना है गाइस। उसके बाद सिंपली फोल्डर को खोल लेना है, ये जो टूल है इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आपकी आप डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ टूल है इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मेरा टूल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको मेक श्योर गाइस अपने सैमसंग का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर रखा है वरना ये टूल काम नहीं करेगा। तो टूल को ओपन कर लेना है, इसके बाद टूल पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है आपको। देख सकते हैं गाइस जो मेरा टूल है वो ओपन हो चुका है। मैं फिर डिवाइस मैनेजर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ मेरा डिवाइस कनेक्ट हुआ है या नहीं। मैंने एक डिवाइस को डिसकनेक्ट कर दिया था, फिर से आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा गाइस। अभी आपको याद रखो गाइस अगर आप सैमसंग का जो ड्राइवर है प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करोगे तो यहाँ पे जो पोर्ट है वो शो नहीं करेगा, पोर्ट नहीं बनेगा। तो पहले आप सैमसंग के जो ड्राइवर है इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर ले, उसके बाद ही टूल को ओपन करें और फोन को कनेक्ट करें, फिर जाके आपका काम 100% हो जाएगा। गाइस मैंने कंप्यूटर को उससे कनेक्ट कर दिया है फ़ोन को ये थ्रू USB। देख सकते हैं मेरा जो है पोर्ट MTP सैमसंग मोबाइल USB मॉडर्न पोर्ट बना चुका है। तो मेरा फ़ोन जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है PC गाइस। तो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपली आपको जाना है इस वाले ऑप्शन में रिमूव FRP वाले जो, सिंपली आपको गाइस रिमूव FRP वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद इसमें क्लिक कर देना गाइस।
तो ये ट्यून जो है 10 to 20 seconds लगेगा, इसके बाद आपको मॉडल जो डिटेक्ट कर लेगा। देख सकते हैं मेरा जो मॉडल है वो डिटेक्ट कर लिया है ट्यून ने। सो अभी आपको जैसे पॉपअप आ रहा है उसी हिसाब से आपको फ़ोन को ओपन करना है गाइस। फ़ोन के जो है इमरजेंसी डायलर में जाना है आपको, फ़ोन को जो इमरजेंसी डायलर है गाइस इसमें आपको चले जाना है। वहाँ से आपको *H0* प्रेस कर लेना है। ऐसा कुछ आपको पास पॉपअप खुल के आ जाएगा तो आपको फ़ोन को उधर ही रहने देना है गाइस। उसके बाद फ़ोन में पॉपअप आएगा गाइस, देख सकते हैं आ गया मेरे फ़ोन में। पॉपअप को आपको एलो कर देना है गाइस, जैसा कि देख सकते हैं मैंने एलो कर दिया ही साथ ही साथ जो टूल अपना काम शुरू कर दिया गाइस। और फ़ोन थोड़ी देर अपने आप सेटिंग में जाएगा, उसके बाद फिर से रिबूट होगा। इस देख सकते हैं गाइस जो काम था वो टोटली हो चुका है, फ़ोन रिबूट हो रहा है अपने, और जो वेफर भी था हमारा टोटली रिमूव हो चुका है गाइस। अब आपको 4 to 5 minutes वेट कर लेना है, इसके बाद फ़ोन जो है खुद ब खुद रिबूट हो जाएगा। उसके बाद जो जितना भी FRP का इशू था इस पर 100% सॉल्व हो जाएगा। जैसे उसके बाद फ़ोन जो है ओपन हो चुका है। देख सकते हैं गाइस मेरा जो फ़ोन में FRP लॉक था वो टोटली रिमूव हो चुका है। अभी सीधा सिंपली फ़ोन को सेटअप कर लेना है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको भी सेटअप कर लेना है फ़ोन को। देख सकते हैं गाइस मेरा तो फ़ोन टोटली अनलॉक हो चुका है विदाउट एनी बॉक्स और टून। और ये वेरी इजी मेथड है गाइस, सिर्फ इसके लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा और टूल जो है 100% वर्किंग है। तो थैंक यू गाइस वीडियो यहाँ तक को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।